गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम बच्चे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट, इस बात पे ध्यान दो कि आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे काम करती हैं। ये देखिए इंडिया के मैप में आपको काफ़ी सारी स्टेट्स नज़र आ रही हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो सो मैनी स्टेट्स आर देयर। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, देखो आप, इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और हर अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम 40 स्टेट्स क्यों नहीं है, 15 यूनियन टेरिटरीज क्यों नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में स्टेट्स की डिवाइडेशन किस बेसिस पे हुई है? तो इसका आंसर है कि इंडिया में स्टेट्स को अलग अलग किया गया है उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे, और अलग अलग तरह की जो इंडिया में कल्चर फॉलो होते थे, अलग अलग रेसिस के लोग इंडिया में रहते थे, उस आधार पे इंडिया में क्या किया गया है, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में 28 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 28 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज तो इंडिया में 1600 से ज़्यादा भी हैं। इंडिया में एक मोटे तौर पे देख लिया गया कि एक लैंग्वेज वाले लोग एक एरिया में हो जाएं, एक कल्चर वाले लोग एक एरिया में हो जाएं, इस तरह से इंडिया में डिवाइडेशन की गई स्टेट्स की। देखो ये देखिए, जैसे ये मैप है, ये हिंदी बोलने वाले एरिया है, ये पंजाबी, ये मराठी, ये गुजराती, नेपाली। तो इस तरह से इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट लाइन कि दे ऑल हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर। इन एरियाज़ में अलग अलग हिस्ट्री है, यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी अलग अलग है, रिलीजन लोगों का अलग अलग है, और उसके बाद थॉट्स एंड वे ऑफ लाइफ, लोगों के जीने का तरीका इन जगहों पे अलग अलग है। इसलिए इंडिया को हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। वी आर सेइंग यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट वी कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि अलग अलग स्टेट्स जो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करती हैं, अलग अलग रेसिस से रिलेटेड लोग उसमें रहते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इस आधार पर हमारी स्टेट्स बटी हुई हैं। ठीक है, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये मैप है आपके सामने कि सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा। जैसे कि देखो, पंजाब में हिंदी है, हरियाणा में दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, राजस्थान में पंजाबी है। तो इस तरह से एक एरिए में एक लैंग्वेज मेन है और दूसरी सेकंड नंबर पे बोली जाने वाली भाषा भी है। तो ये तो जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। यस, ये देखो इस तरह से सेशंस होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, या स्टेट की विधानसभाओं के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के सेशन इस तरह से लगते हैं। ऐसे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे MLAs, MPs बैठ के गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और गवर्नमेंट वर्क करती है। अब यहाँ पे इन जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनमें कौन लोग बैठते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, किस आधार पे इलेक्शन होते हैं, ये सारा आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो स्टेट्स एंड सेंटर, हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो पर्टिकुलर अपनी स्टेट के सारे काम करती है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट पंजाब के, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, पूरे कंट्री के लिए काम करती है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है, एक लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, और हर देर आर सेपरेट इलेक्शंस फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमेशा अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चुननी हो तो इलेक्शन अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चुननी हो, देश की केंद्रीय सरकार चुननी हो, तो इलेक्शन अलग से होते हैं। जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शंस के लिए, स्टेट इलेक्शन जो लोग लड़ते हैं उनको MLAs कहा जाता है। जो लोग स्टेट के इलेक्शन जीतते हैं
उन्हें MLAs यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यानी कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, UP, इन सारी स्टेट्स में जो इलेक्शन जीतेंगे, और पंजाब, हरियाणा, UP किसी भी स्टेट है जो भी, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे या वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, उनको हम कहेंगे MLA। और अगर वही जो सिलेक्ट होंगे सेंट्रल या नेशनल लेवल के इलेक्शन में या लोकसभा में जाके काम करेंगे, उनको हम कहेंगे MPs। जो MPs होते हैं बेटा, वो काम करते हैं पूरी देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, के अंडर आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, उनको कहा जाता है MP। और MLA कहा जाता है स्टेट लेवल पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ये बात याद रखना, MP और MLA का डिफरेंस। MLA मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और MLA चुने जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया। लोकल लेवल पे ग्राम पंचायतें चुनी जाती हैं। जैसे ये देखो आपके सामने ग्राम पंचायत की मैंने एक पिक्चर भी फाइंड आउट की है, यहाँ पे ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है। तो विलेजेस के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट में पंचायतें चुनी जाती हैं, ठीक है, या जिला पंचायत की भी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है। नेक्स्ट ये है वो सेशंस जहाँ पे सारे MLAs बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द स्टेट, कि स्टेट में किस तरह से क्या काम करना है, कौन से लॉज बनाने हैं, कौन सी पॉलिसीज बनानी है। और ये आपके सामने पिक्चर है हमारी लोकसभा की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाती है दिल्ली में, वो बैठते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। यहाँ पे MPs बैठते हैं जो पूरे सेंटर के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो होती है MPs होते हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आपके सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यानी कि लोकसभा राज्यसभा की पिक्चर है। नेक्स्ट देखो बेटा, हु इज़ एन MLA। पर आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट में अब हम सारा पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू मेक लॉज एंड आल्सो टू फॉर्म ए स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। पहले तो ये बात समझो कि हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उसके मेंबर्स को हम MLAs कहते हैं। इन MLAs को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। बेटा ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, 18 ईयर्स से अबव उस स्टेट के सारे लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटें डालते हैं और अपने MLAs को चूज़ करते हैं। फिर ये MLAs क्या करते हैं, ये उस स्टेट के लोगों के लिए लॉज बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझो। हर स्टेट, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड को ध्यान से समझो। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एरिया है जिस एरिया से पर्टिकुलर कुछ लोग मिलके इलेक्शंस लड़ते हैं और उनमें से कोई एक विनर होता है। अब आपको मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की पिक्चर दिखाती हूँ पहले, फिर आपको समझ आएगा इस तरह से। ये देखो, जैसे ये तमिलनाडु की पिक्चर है आपके सामने। पूरे तमिलनाडु को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है, रफली इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के आधार पे, रफली, एग्जैक्ट नहीं बेटा, पॉपुलेशन के आधार पे पूरी स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये देखो आपके सामने तमिलनाडु को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। ये पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इनको एरिया वाइज नहीं, यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है हर स्टेट की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी एक MLA चुना जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी एक MLA चुना जाएगा, इससे भी, इससे भी। तो इस तरह से टोटल पूरे के पूरे स्टेट से MLAs चुने जाते हैं।
तो आपके सामने फिर से देखो कि ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। आपको समझ आ गया, पूरे स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। पंजाबी में इसे कह देते हैं हम हल्का, ठीक है, या वार्ड। पीपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन चुना जाता है जिसे MLA कहा जाता है। फिर उसके बाद वो मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। यहाँ पे ये बात याद रखो कि वो MLA बने, बट अब वो गवर्नमेंट में है या नहीं, सरकार में है या नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल जो भी पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से इलेक्शन जीतता है वो क्या कहलाता है, वो MLA कहलाता है। लेटस ये देखो, ये आपके सामने पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखा दी, ये आप देखो। अब इलेक्शंस के टाइम पे ये देखो, अब जब इलेक्शंस होते हैं ना, ये आपके सामने वोटिंग मशीन है, इसमें देखो आप कि यहाँ पे देखो एक पर्सन का नेम लिखा है, ये उसका चुनाव चिन्ह है, यहाँ ये उसका नेम है, यहाँ पे उसकी पिक्चर है। फिर से देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ, देखो ये एक पर्सन की पिक्चर है, ठीक है, और ये उसका नाम है, और यहाँ पे उसका चुनाव चिन्ह है, और यहाँ पे ये बटन बना हुआ है। तो इस तरह की वोटिंग मशीन होती है, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन सिंबल है, ये वाला इलेक्शन सिंबल जो यहाँ पे बना है, ये इसलिए होता है कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, जो नाम पढ़ नहीं सकते, वो इलेक्शन सिंबल देख के या पर्सन की पिक्चर देख के वोटिंग कर सके। हर इंसान ने क्या करना होता है, जो वोट डालने आता है वो इन सब के नाम देखता है, इनके इलेक्शन सिंबल देखता है, और इनकी पिक्चर देखता है। पिक्चर देखने के बाद जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसने वोट डालनी है, जैसे इस कैंडिडेट को वोट डालनी है, इस कैंडिडेट को, तो इसके सामने वाले बटन को, जैसे ये सामने वाला बटन है ब्लू बटन, इसको प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जस्ट वेट, हाँ जी, अब मैं आपको ये सारी बात एक पर्टिकुलर स्टेट की एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। हमने हिमाचल प्रदेश ले लिया, ठीक है, एग्ज़ाम्पल है हिमाचल प्रदेश हमने ले लिया। हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कितनी हैं? 68, ये बात याद रखना। टोटल कितने MLA चुने जाएंगे? अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज 68 हैं तो ऑब्वियसली MLA भी 68 ही चुने जाएंगे, ठीक है। तो 68 MLA चुने जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल बिलोंगिंग टू मैनी पोलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। मैं सपोज करो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से एक पर्सन खड़ा हो गया इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस का, एक खड़ा हो गया BJP का, एक खड़ा हो गया कैंडिडेट आप पार्टी का। इस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो गए। अब ऑब्वियसली जीतेगा तो कोई एक, सपोज़ करो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, ठीक है, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो गई, यहाँ से कौन जीत गया? कांग्रेस का कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया। अब बात करते हैं किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब देखो, जस्ट वेट, अब ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जस्ट वेट बेटा। अब देखो ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे एक कांग्रेस का पर्सन खड़ा हो गया, एक BJP का खड़ा हो गया, एक आप पार्टी का खड़ा हो गया, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो सो मैंने कैंडिडेट्स यहाँ से खड़े हो गए, तो यहाँ से BJP का जीत गया। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो इस इट मींस कि वन रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से पढ़ते हैं, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल बिलोंग टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। आई थिंक ये लाइन आपको क्लियर होगी होगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और पीपल इलेक्ट, लोग चुनते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक जीत जाता है जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। ऑल इलेक्टेड MLAs, बाकी चुने हुए MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इसलिए सारे MLAs अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पे देखो
कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ चाहिए बेटा क्या बनाने के लिए, मेजॉरिटी में आने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। सपोज़ को 68 सीट्स थी ना हिमाचल प्रदेश की, 2 से डिवाइड किया इसे, कितना बना, 34 बन गया। तो 34 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा एमएलए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर होंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। इसको मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करती हूँ, जस्ट वेट। यस, यहाँ से देखो कि द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मेजॉरिटी। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी का मतलब समझ गए, हाफ से ज़्यादा सीटें होना, उसे हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। ये रूलिंग पार्टी वर्ड और अपोजिशन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझ लो। देखो टोटल एमएलए तो 68 थे, ठीक है, और उसमें से जो एमएलए मेजॉरिटी में हैं, जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। और जो अदर मेंबर्स हैं उनको हम, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं उनको हम अपोजिशन कहेंगे। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए भी क्लियर करती हूँ। देखो नीचे कि अब उस जो 68 सीट्स की मैंने बात की थी ना हिमाचल प्रदेश की 2003 के इलेक्शन की, तो उनका उसका रिज़ल्ट आ गया। उसका रिज़ल्ट देखो आप कैसे है, उसमें आईएनसी ने, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी का नाम है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको सीट्स मिली 43। सीट्स का मतलब होता है कि उसके कितने कैंडिडेट इलेक्शंस जीते, तो 43 सीट्स का मतलब है कि इसके 43 एमएलए इलेक्शन जीते, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये होगी पहली पॉलिटिकल पार्टी। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, इसको 16 सीट्स मिली। 16 सीट्स का मतलब है इसके 16 कैंडिडेट्स इलेक्शन जीते, ठीक है, 16 एमएलए आए बीजेपी के, कांग्रेस के आए 43, बीजेपी के आ गए 16 कैंडिडेट। उसके बाद जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे आप है या कोई और है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके आ गए 3 कैंडिडेट। और उसके बाद इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी 16 सीट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हम हिंदी में निर्दलीय उम्मीदवार भी कह देते हैं। निर्दलीय मतलब कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ते पर इलेक्शन जीतते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद ये किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इनकी मर्जी होती है, तो वो हैं 6। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए, हमने बात करी थी 34 सीट्स चाहिए, एमएलए चाहिए। तो कांग्रेस 34 का मतलब ये नहीं है कि 34 ही चाहिए, मोर देन 34, वो 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस को 43 एमएलए पहले से मिल रहे हैं इलेक्शंस में, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कांग्रेस की, आईएनसी की गवर्नमेंट बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे बनी, ठीक है। तो इट मीन इस तरह से गवर्नमेंट बनती है स्टेट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है, जस्ट वेट बेटा, स्टूडेंट्स लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स ऑन द बोर्ड। सी देखो, ये जैसे हमारा साउथ इंडिया है और इस जगह पे, यहाँ पे आप कह लो यहाँ पे हमारा पंजाब है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ नीचे हरियाणा, और इस साइड पे उत्तराखंड, और जो हिमाचल प्रदेश है, दिस वन हिमाचल प्रदेश, इसको अब मैं खाली स्क्रीन पे हिमाचल प्रदेश बनाती हूँ। देखो आप, देखो ये सारा इमेजिन कर लो हिमाचल प्रदेश है। तो मैंने आपको कहा था कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे होती हैं, सपोज़ करो ये एक इतना एरिया है, इस एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं, रफली 10,000, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इतने एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं रफली, नॉट एग्जैक्ट, तो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। फिर इतने एरिए को, ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद इस एरिए में रहते हैं, ये चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी,
यहाँ पे 10,000 लोगों को मिला के पांचवी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कुल मिला के पूरे हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। 68 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 हैं तो एमएलए भी कितने चुने जाएंगे, 68। अब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करती हैं, चलो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यहाँ से इलेक्शन होने हैं और एक एमएलए ने चुने जाना है, तो क्या हुआ यहाँ पे इलेक्शंस में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी क्या है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जिनके विचार एक जैसे होते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने इमेजिन करो सोचना है कि इंडिया को हमने मॉडर्नाइज़ करना है, तो वो सारे लोग जैसे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जो पिछड़ा वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उसके लिए काम करना है, वो बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। अब बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा कर दिया, एक इसमें, एक इसमें, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब चलो कांग्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ से एक बीजेपी ने खड़ा किया तो एक कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने क्यों पीछे रहना था, कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस ने बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी खड़े कर दिए अपने कैंडिडेट्स। इसी तरह से कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, आप है, बीएसपी है, सब ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। उसके बाद देखो, जस्ट वेट, मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। न्यू स्क्रीन लेते हैं, चलो। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब ये हमारा हिमाचल प्रदेश है फिर से, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर में एक तो खड़ा है कांग्रेस का बंदा, एक खड़ा है बीजेपी का बंदा, एक खड़ा है आप पार्टी का, ये एक इंडिपेंडेंट खड़ा है। वैसे तो कई सारे कैंडिडेट होते हैं, चलो आप इमेजिन कर लो ये खड़े हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जीत गया कांग्रेस का, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इस जगह पे, यहाँ से जीत गया बीजेपी का, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया आप पार्टी का, यहाँ से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। तो इस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जीते। तो टोटल सीट्स थी 68, क्लियर। उसमें से इंडियन नेशनल टोटल, जस्ट वेट, टोटल हैं 68, कांग्रेस के कितने एमएलए जीते 43, बीजेपी के कितने जीते 16, ठीक है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने जीते 3, ये मैं आपको 2003 का डाटा बता रही हूँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने जीते 6। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने एमएलए चाहिए, 34। इसके पास हैं 34, नो, इसके पास नो, इसके पास नो, यहाँ पे 34 से ज़्यादा हैं 43। तो इट मींस रूलिंग पार्टी कौन सी हुई, कांग्रेस। बीजेपी हुई मेन ओपोजिशन पार्टी, ये बाकी भी ओपोजिशन पार्टी हैं पर मेजर ओपोजिशन पार्टी होगी बीजेपी, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा एमएलए हैं 16, क्लियर। तो इस तरह से रूलिंग पार्टी कौन सी बनी, कांग्रेस। अब कांग्रेस वहाँ पे रूल करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ने फिर से बना लिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के कैंडिडेट आए हैं, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सपोज़ करो ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये है विधान सभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस के भी बैठेंगे सारे, सारे बीजेपी के भी बैठेंगे एमएलए। तो टोटल सारे एमएलए 68 के 68 यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब कांग्रेस के एमएलए सबसे ज़्यादा हैं, तो इनको हम कहेंगे रूलिंग पार्टी। उसके बाद
बीजेपी के कैंडिडेट 16 हैं, इनको हम कहेंगे ऑपोजिशन पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस रूलिंग पार्टी है ना, इनकी पार्टी का जो लीडर है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो होगा हमारी स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का CM, यानी कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यू सिचुएशन बताती हूँ। इमेजिन करो कि किसी भी पार्टी को, यहाँ पे तो कांग्रेस को 43 सीट्स आई थी, अब सपोज करो कांग्रेस को आई हैं 30 सीट्स, ठीक है, बीजेपी को आई हैं, ध्यान से सुनना ये बात इम्पॉर्टेंट है, 20 सीट्स, क्लियर, अदर्स को आई हैं 10 सीट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आई हैं 8 सीट्स, टोटल कितने हैं, 68 हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने MLA ज़रूरी हैं, 34, तो 34 तो बच्चे ध्यान से देखो किसी को नहीं आई, तो अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मौका दिया जाएगा कांग्रेस को, कांग्रेस को कहा जाएगा कि आपके पास 30 हैं, आप 4 किसी, या तो इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिला लो या अदर्स को अपने साथ मिला लो। अगर कांग्रेस ने सपोज करो इंडिपेंडेंट वालों को अपने साथ मिला लिया, तो कांग्रेस की हो जाएंगे 38, फिर तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि मिनिमम 34 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की गवर्नमेंट को जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले और वो दूसरी किसी और कैंडिडेट्स को साथ में मिला के पार्टी बनाए, सरकार बनाए, तो उसे कहा जाता है कोल्यूजन गवर्नमेंट। उसे क्या कहा जाता है, कोल्यूजन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार, क्लियर है। अगर सपोज़ करो ये मना कर दें कि हम नहीं कांग्रेस के साथ मिलते, ये अदर पार्टी वाले भी मना कर दें, तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना सकती। फिर ऐसे केस में मौका दिया जाएगा बीजेपी को, अगर बीजेपी के पास 20 हैं, बीजेपी ने इनको भी मिला लिया अदर्स को, और इंडिपेंडेंट 8 को भी मिला लिया, तो बीजेपी पी के पास टोटल 38 हो जाएंगे, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, और इसे कोल्यूजन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो आई थिंक रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, कोल्यूजन गवर्नमेंट, आपको ये सारे मीनिंग्स अब क्लियर हो गए होंगे। यस स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो आप कि टोटल MLA सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 68 एज यू नो, ठीक है। आ पोलिटिकल पार्टी वुड नीड एटलीस्ट 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन मेच्योरिटी, क्लियर टू यू। इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 43 MLA और मेजॉरिटी मिली और बन गए रूलिंग पार्टी। बीजेपी वॉज अ मेजर अपोजिशन पार्टी विद 16 MLA बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अदर पोलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट पार्टीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ओपोजिशन। बाकी 9 MLA भी ओपोजिशन में गिने जाएंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज, मिनिस्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये चीज़ है, देखो ये एक हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें ये कांग्रेस के सारे जो हैं ये रूलिंग पार्टी हैं। अब रूलिंग पार्टी में से एक पर्टिकुलर इनका जो लीडर है वो CM है। अब इसको हम समझते हैं कैसी, कि MLA जो बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी से, यानी कि दिस वन, वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, वो होता है स्टेट का CM, चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद इलेक्ट करता है अपने मिनिस्टर्स। अब जो CM है वो इनमें से अपने मिनिस्टर इलेक्ट करेगा कि इसे मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, इसे मैंने हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, इस तरह से। और जो उस स्टेट का गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स को चलाने की और अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभालने की, इन मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इट मीन्स पीपल, लोगों ने किसे चुना, रूलिंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी ने चुना अपने CM को, CM ने चुना मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो इस नेक्स्ट देखो, अब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव वर्ड का अपने आप में ही मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेन काम ही ये होता है लॉज को बनाना। एक लेजिस्लेटिव असेंबली
वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे सारे इलेक्टेड MLAs बैठते हैं। यानी कि ये देखो, जैसे ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ अगर कांग्रेस के बैठे हैं तो यहाँ पे BJP के भी बैठेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी बैठेंगे, यहाँ पे अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बैठेंगे। यानी कि 68 के 68 सारे बैठेंगे। क्लियर है? तो जो रूलिंग पार्टी के हैं इलेक्टेड MLAs, ओपोजिशन के भी बैठेंगे, और सारे मिलके क्या करेंगे, लॉज पास करेंगे अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जो लॉज बनाएंगे वो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाएंगे। और जो जस्ट वेट, जो MLAs होते हैं बच्चे, उनकी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्यूल मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी MLAs की। एक तो वो अपने एरिया के MLA हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, वो किसी ना किसी मिनिस्टर के तौर पे अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें उस डिपार्टमेंट का काम करना होता है। तो जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो MLA भी होते हैं और वो एज अ मिनिस्टर भी काम करते हैं। नेक्स्ट है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। डिबेट होता है वाद विवाद, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स होती हैं। अब आपको ये सारी बात सुनकर ये लग रहा होगा कि सारा काम रूलिंग पार्टी का ही है, ओपोजिशन पार्टी तो वेली है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। पर ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये 4 मेन फ्रीडम्स हमें डेमोक्रेसी में मिली होती हैं। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ पे ओपोजिशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MLAs ऑफ ओपोजिशन, अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी के MLAs भी बैठते हैं और ओपोजिशन पार्टी के MLAs भी बैठते हैं। ओपोजिशन पार्टी के जो MLAs होते हैं वो अपने ओपिनियंस, अपने क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से पूछते हैं। अब देखो, ये MLA है रूलिंग पार्टी का, ठीक है। ये MLA है ओपोजिशन पार्टी का, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का MLA क्या काम कर रहा है, क्या ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ओपोजिशन पार्टी के MLA इनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अपना दबाव इनके ऊपर बना के रखते हैं। नहीं तो ये सारे अपनी मर्जी चलाने लग जाएंगे। ओपोजिशन पार्टी के MLA अपनी सजेशंस भी देते हैं टाइम टाइम पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनको जो भी सजेशंस ठीक लगती हैं ये वो भी गवर्नमेंट को देते हैं। द मिनिस्टर्स हैव टू गिव रिस्पॉन्स। मिनिस्टर्स को ओपोजिशन पार्टी के सारे MLAs के क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली देने पड़ते हैं। तो इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट कहते हैं, जिसमें ओपोजिशन क्वेश्चंस पूछती है और रूलिंग पार्टी के जो MLA होते हैं वो उसके आंसर्स देते हैं, और हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, नेक्स्ट इसमें है कि ऑल द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सारे MLA इकट्ठे मिलके सरकार का काम चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गवर्नमेंट, अब हम मैं आपको बार बार कह रही हूँ सरकार, तो सरकार से क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। एक तो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, मैं इसको रेड कलर से अंडरलाइन करती हूँ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सारे, प्लस चीफ मिनिस्टर, प्लस मिनिस्टर के चुने हुए मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा चीफ मिनिस्टर, तीसरा चीफ मिनिस्टर के चुने हुए मिनिस्टर, ये सारे मिलके हम इनको एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं और हम इनको सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के चुने मिनिस्टर, ये मिलके एग्जीक्यूटिव हैं और इसी को हम सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार क्या काम करती है और कैसे करती है। देखो, लोगों के पास पावर है। द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स हैव टू टेक एक्शन
ऑन वेरियस प्रॉब्लम। देखो लोगों के पास पावर होती है और लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने स्टेट में से, अपने राज्य में से किसे चुनते हैं, रूलिंग पार्टी को। रूलिंग पार्टी चुनती है चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर चुनता है मिनिस्टर्स को। तो ये सारे मिलके चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, जिनको पावर लोगों ने दी है, वो मिलके लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्शन लेते हैं। अगर स्टेट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्शन लेने का काम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का है। और वो ये काम करते कैसे हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ज़रिए ये काम करते हैं, जैसे PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ज़रिए गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट और क्या काम करती है, दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से या रूलिंग पार्टी के किसी भी MLA से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इन्हें जवाब देना होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन डिसाइड टू मेक न्यू लॉज। अब देखो सरकार का मेन काम तो लॉ बनाना है, गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लॉज बनाती है स्टेट में सैनिटेशन को लेके या हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज, लॉज बनाने का जो काम है, ऑन सर्टन इश्यूज़ इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट। हमारे इंडिया में एज यू नो 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाने का काम किया जाता है। और उसके बाद देखो लॉ बनाना, लॉ मेकिंग का काम तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर अगर लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना है, तो ये काम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट इन लॉज को लागू करवाते हैं, क्लियर। जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने ये स्लाइड ली है आपको स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का डिफरेंस बताने के लिए। जस्ट सी कि क्या डिफरेंस होता है स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। स्टेट में तो आपने देख ही लिया ना कि स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, एक स्टेट के सारे लोग अपने में से लोगों को चुनते हैं, MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को और वेरियस मिनिस्टर्स को चुनते हैं, और वो लोग उस स्टेट के ऊपर रूल करते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेट की वर्किंग आपको समझ आ गई। पर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कोई MLA, कोई चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं चूज़ किया जाता। यूनियन टेरिटरी, यूनियन मतलब केंद्र, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है इन्हें। यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली रूल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की केंद्रीय सरकार यूनियन टेरिटरी में रूल करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता है, जिसको LG कहा जाता है, और उस LG को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे इसके नाम से ही क्लियर है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ये एक जस्ट एक डिफरेंस था स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। नेक्स्ट वीडियो में एक मीडिया का टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में देती हूँ। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो जूम क्लास में मैं अगेन डिस्कस करूँगी। सो जूम क्लास में आना है और अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।